आप सभी लोगों को याद होगा कि उत्तर प्रदेश में 2017 में जब आपके विधानसभा चुनाव चल रहे थे उस समय की बात कर लीजिए, या फिर आपने देखा होगा कि बीजेपी को बहुमत मिलने के बाद की बात करिए, कयास लगाए जा रहे थे कि उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य होंगे। लेकिन आपने देखा है कि इन्हें उप मुख्यमंत्री का पद मिलता है और योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बनाए जाते हैं। तो आज हम लोग इस क्लास में केशव प्रसाद मौर्य के बारे में एक सामान्य जानकारी देख लेंगे। इनसे जुड़े कुछ इनके विवाद भी हैं जिनमें इनका नाम जुड़ा रहा है, और इनके राजनीतिक सफर पर हम लोग चर्चा कर लेंगे। ठीक है, आप लोगों को उत्तर प्रदेश के बारे में कुछ जानकारी दे देते हैं, क्योंकि आप देखते हैं कि उत्तर प्रदेश राजनीति के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। ये भी कहा जाता है कि दिल्ली की सत्ता की रास्ता उत्तर प्रदेश से ही निकलता है। ऐसा क्यों कहा जाता है? आप जानते हैं कि विधानसभा की बात कर लीजिए, लोकसभा की बात कर लीजिए, राज्यसभा की बात कर लीजिए, या विधान परिषद की बात कर लीजिए, सबसे ज़्यादा सीटें अगर आपको देखने को मिलेगी तो उत्तर प्रदेश में ही देखने को मिलेगी। आप 2014 में बीजेपी की बात कर लीजिए, अच्छी खासी सीटें मिली हुई थी बीजेपी को। 2019 में देख लीजिए, और आप देखते हैं कि अधिकतर मुख्यमंत्री आपके उत्तर प्रदेश से ही निकलते हैं। वर्तमान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ले लीजिए, वाराणसी से 2014 में भी चुने गए थे, 2019 में भी वो विधानसभा लोकसभा माफ करिए विधानसभा कहाँ लोकसभा से सदस्य वाराणसी क्षेत्र से चुने गए हैं। तो देखिए, ये हमारी प्यारी पृथ्वी, इसमें देखेंगे आप लोग कि एशिया में हमारा प्यारा भारत आप लोगों को देखने को मिलेगा। अपने पड़ोसियों को देख लीजिए, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, भूटान, नेपाल, ऊपर आपको चाइना देखने को मिलेगा, ये पाकिस्तान है, ये अफगानिस्तान है। ठीक है, इसमें आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश आपको ये दिखाई देगा। इसकी राजधानी की बात करें तो आप सभी को मालूम होगा कि लखनऊ है, और उत्तर प्रदेश को स्टेट यानी कि राज्य का दर्जा मिला था 24 जनवरी 1950 को। आप जानते होंगे कि 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस भी मनाया जाता है। क्या है कि इस तरह के क्वेश्चंस आपकी परीक्षाओं में पूछ लेता है, और मुझे लगता है कि अगर आप लोग उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं तब भी आप लोगों को एक जानकारी होनी चाहिए आपके पास। अगर हम बात करें कि यहाँ विधानसभा सीटों की, तो 403 आप लोगों को देखने को मिलेगी। विधान परिषद की बात करें तो 100 सीटें देखने को मिलेगी, लोकसभा की बात करें तो 80 सीटें देखने को मिलेगी, और राज्यसभा की बात करें तो 31 सीटें देखने को मिलेगी। अब आपको समझ में आया होगा कि क्यों कहा जाता है इतना कि उत्तर प्रदेश को राजनीति में इतना क्यों महत्व दिया जाता है। ठीक है, और आप लोगों को यह भी मालूम होगा केशव प्रसाद मौर्य पिछड़ी जाति से आते हैं, और ये माना जाता है कि पिछड़ी जाति में इनकी अच्छी पकड़ है, समझ रहे हैं आप लोग, तो इसलिए भी इन्हें तवज्जो दी जाती है एक तरह से। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं केशव प्रसाद मौर्य के बारे में। तो देखिए, ये है इनकी पिक्चर, और आप सभी को मालूम होगा कि ये हिंदुत्व छवि का छवि देखी जाती है, या कट्टर हिंदुत्व कह सकते हैं हिंदूवादी ने। ठीक है, तो इनका पूरा नाम आप सभी को मालूम है कि केशव प्रसाद मौर्य है, और आप लोगों को यहाँ एक जानकारी और दे दूँ, मौर्य उप मौर्य कुशवाहा जाति होती है। ठीक है, कई लोगों को ये भी कन्फ्यूज रहता है। इनका जन्म होता है 7 मई 1969 को, कहाँ होता है, एक सिराथू गांव है जिला कौशाम्बी उत्तर प्रदेश में। इनके पिता की बात करें तो आप सभी को मालूम होना चाहिए कि श्यामलाल मौर्य, और माता का नाम धनपति देवी मौर्य, और पत्नी की बात करें तो राजकुमारी देवी मौर्य इनकी पत्नी है। ठीक है, और पुत्र की बात करें तो योगेश मौर्य और हितेश मौर्य इनके पुत्र हैं, मौर्य या मौर्य जो भी आपको करना हो। अगर हम लोग इनकी शिक्षा की बात करें तो आप देखेंगे कि हिंदी साहित्य में इन्होंने शिक्षा भी ली हुई है, तो आप कह सकते हैं कि कम से कम ये पढ़े लिखे हैं। ठीक है, अब इनकी राजनीतिक दल की बात करें, किस पार्टी से जुड़े हुए हैं, तो आप सभी को मालूम है कि बीजेपी यानी कि भारतीय जनता पार्टी। यहाँ एक और पॉइंट बता देता हूँ, अगर आपसे कभी पूछे कि बीजेपी की स्थापना कब हुई थी, तो 6 अप्रैल 1980 को, ये बात है अटल बिहारी वाजपेयी के समय की। ठीक है, और अब हम बात करते हैं केशव प्रसाद मौर्य के राजनीतिक कैरियर की, यानी कि इनका राजनीतिक सफर कैसा रहा, कैसे
कितने चुनाव इन्होंने जीते, कौन से चुनाव इन्होंने हार का सामना करना पड़ा। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखेंगे कि ये बजरंग दल से जुड़ते हैं। केशव प्रसाद मौर्या सबसे पहले बजरंग दल से जुड़ते हैं। आप सभी लोगों को मालूम होगा कि बजरंग दल हिंदू राष्ट्र की बात करता है, हिंदुओं की बात करता है, हिंदुत्व विचारधारा की बात करता है। और आपको ये भी बता दो कि बजरंग दल की स्थापना होती है 1984 में। ठीक है, फिर आप देखेंगे ये कुछ समय के बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जिसे आप लोग RSS भी कहते हैं, इससे जुड़ते हैं। कौन? केशव प्रसाद मौर्या। और RSS के बारे में कुछ पॉइंट बता देता हूँ। इसकी स्थापना हुई थी 27 सितंबर 1925 को, यानी कि आजादी के पहले का संगठन है, क्योंकि आप जानते हैं कि 15 अगस्त 1947 को आजादी मिलती है। और ये एक बात और आपको बता दूं कि RSS को BJP का पैतृक संगठन माना जाता है। और आप देखेंगे कि जितने भी अभी BJP पर उच्च पदों पर जो भी व्यक्ति हैं, वो RSS से निकले हुए हैं। प्रधानमंत्री को देख लीजिए आप लोग, एक समय RSS में अच्छी काफी पकड़ रखते थे, समझ रहे हैं आप लोग। और उसके बाद आप देखेंगे कुछ समय के बाद ये विश्व हिंदू परिषद से जुड़ते हैं, इसके लिए प्रचार प्रसार भी करते हैं इसका। और हिंदू विश्व परिषद हो या आप देखिए RSS हो, बजरंग दल हो, ये हिंदू राष्ट्र की ही बात करते हैं, हिंदुओं की बात करते हैं, हिंदुत्व विचारधारा की बात करते हैं। और विश्व हिंदू परिषद की बात करें तो ये इसकी स्थापना हुई थी 1964 में। ठीक है, ये भी आप लोगों को बता दूं। अब केशव प्रसाद मौर्या पहली बार सन 2002 में चुनाव लड़ते हैं, किसका? विधानसभा चुनाव। और आप जानते हैं कि विधायक जनता चुनती है, डायरेक्ट जनता के द्वारा विधायक को चुना जाता है। ठीक है, तो लेकिन इसमें क्या होता है कि इन्हें हार का सामना करना पड़ता है। पहली बार ये विधायक का चुनाव लड़ते हैं लेकिन इन्हें हार ना पड़ता है। फिर आप देखेंगे 2007 में भी ये विधानसभा चुनाव लड़ते हैं लेकिन इसमें भी इन्हें हार ही मिलती है। और आप देखते हैं कि 2012 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होते हैं और ये सिराथू निर्वाचन क्षेत्र से विधायक चुने जाते हैं। और ये 2012 है वही है जिसमें सपा की सरकार बनती है और अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनते हैं, और जो 2017 तक मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के रहते हैं। ठीक है, लेकिन आप लोगों को मालूम होगा कि 2014 एक ऐसा साल था जो बीजेपी के लिए आप कहिए कि बहुत अच्छा रहा। मोदी लहर इस तरह से चल रही थी कि कोई भी चुनाव लड़ गया बीजेपी से वो लगभग चुनाव जीत गया। एक तरह से आप कह सकते हैं कि जो इंदिरा गांधी के समय कांग्रेस की लहर चली थी एक बार, वही 2014 में बीजेपी में देखने को मिलेगी। और आपने देखा कई पार्टियों के बड़े बड़े दिग्गज नेता चुनाव हार जाते हैं। तो 2014 में फूलपुर सीट से 16वीं लोकसभा के लिए निर्वाचित होते हैं, यानी कि लोकसभा सदस्य बनते हैं 2014 में। कौन? केशव प्रसाद मौर्या। ठीक है, लेकिन आपने देखा है कि 2017 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होते हैं और उसमें आप देखते हैं कि बीजेपी को बहुमत मिलता है और योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बनते हैं, केशव प्रसाद मौर्या उप मुख्यमंत्री बनते हैं। और आपको एक और बात बता दूं, उप मुख्यमंत्री की बात हो या उप प्रधानमंत्री की बात हो, इसका संविधान में कहीं आप लोगों को वर्णन देखने को नहीं मिलेगा। ये तो ऐसा रहता है कि किसी पार्टी में आप सोचिए दो चार लीडर अच्छे हैं, एक सी पोजीशन रखते हैं, तो किसी को मुख्यमंत्री बना दीजिए, किसी को उप मुख्यमंत्री बना दीजिए और सभी को साथ लीजिए। ठीक है, तो 2017 में ये उप मुख्यमंत्री बनते हैं। और आप सभी लोगों को ये भी मालूम होना चाहिए कि जब आप लोग उप मुख्यमंत्री बन रहे हैं या राज्य में मंत्री बन रहे हैं या मुख्यमंत्री बन रहे हैं, तो आपको विधानसभा या विधान परिषद से सदस्य बनना अनिवार्य है। लेकिन 6 महीने के अंदर, यानी कि आप भी मंत्री या मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री बन सकते हैं, लेकिन 6 महीने के अंदर आप लोगों को विधानसभा
या विधान परिषद का सदस्य बनना होगा। तो आप देखते हैं कि 2017 में इन्हें विधान परिषद का सदस्य मनोनीत किया जाता है, ठीक है। और आप देखेंगे कि अब 2022 में चुनाव है, अब क्या होता है क्या नहीं होता है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन फिलहाल हम देखेंगे कि इनकी ये राजनीतिक यात्रा रही है, ठीक है। इनसे जुड़े कुछ विवाद भी आपके रहे हैं, इन्हें भी आप लोग याद रख सकते हैं। और आप सभी देखेंगे कि कुछ अधिकतर नेताओं से विवाद जुड़े रहते हैं, और भारत की राजनीति की सच्चाई बन चुकी है एक तरह से, कि अगर आपको अच्छा नेता बनना है तो आपके ऊपर लूट, मर्डर, हत्या, बलात्कारी, या फिर आप देखिए कि किसी तरह का इस तरह के अपराध होने चाहिए आपके ऊपर। जितने अधिक आप पर इस तरह के अपराध होंगे, आपसे जुड़े होंगे, आप उतने बड़े नेता बनते रहते हैं। एक कुछ भी कह लीजिए, देश का दुर्भाग्य कह लीजिए, जो भी कहना आप लोग। तो आप देखेंगे मौर्या पर 2011 में उनके दोस्तों के साथ एक गरीब किसान मोहम्मद गौस, गुलाम गौस की हत्या का आरोप भी लगता है। इसके बाद वे जेल भी जाते हैं, लेकिन आप देखेंगे कुछ समय के बाद इस केस में वे बरी हो सकते हैं, मतलब हो जाते हैं, ठीक है। फिर आप देखेंगे जैसे आप लोग लोकसभा चुनाव लड़ते हैं, ये आप लोग विधायक की का चुनाव लड़ते हैं, तो एक आप लोगों को क्या करना होता है कि हलफनामा देना होता है, जिसमें आपको अपनी सच्चाई, जो भी आपके संपत्ति है, आप पर जितने भी केस रहे हैं, सभी जानकारी आपको अपनी देनी पड़ती है। तो 2014 की लोकसभा चुनाव में इन्होंने एक हलफनामा दिया था, उसमें इन्होंने 10 गंभीर आरोपों के मामले की स्वीकारे भी थे, जिसमें आप देखेंगे कि इसमें 302 हत्या का मामला था, 153 दंगा भड़काने की बात हो, 420 धोखाधड़ी जैसे आरोप भी इन पर लगे हुए थे, ठीक है। तो ये सफर है इनका, आने वाला सफर किस तरह से रहता है ये आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन फिलहाल इनकी कहानी इतनी है, ठीक है। मुझे लगता है कि इस तरह के नेताओं के बारे में आप लोगों को मालूम होना चाहिए, जब आप लोग इतना चुन रहे हैं, इतना वोट दे रहे हैं, तो कम से कम इनके बारे में जानकारी तो होनी चाहिए। तो उत्तर प्रदेश के काफी कुछ नेता निपट चुके हैं, योगी आदित्यनाथ की बात कर लीजिए, निपटने का मतलब इनकी बायोग्राफी कवर हो चुकी है, अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव, मायावती, अजीत सिंह, उसके बाद आपने देखा है कि चंद्रशेखर रावण एक नया नाम उभर के आ रहा है, फिर चाहे इनकी बात कर लीजिए केशव प्रसाद मौर्य की, और भी आपकी जान पहचान में अगर कोई नेता है तो बताइए, उसे भी करवा दूंगा, ठीक है। लेकिन एक नाम और उभर के आ रहा है, प्रियंका गांधी का, इन पर भी आने वाले समय में हम लोग बात करेंगे, जब भी टाइम मिलता है देख लेंगे, ठीक है। तब तक पढ़ते रहिए, अच्छे से बने रहिए।